मेहनत कर रहे हैं, एक एक पैसा, पहले ये कहते थे सारे नेता पैसा नहीं है पैसा नहीं है, सरकार घाटे, हमने तो कभी नहीं कहा पैसा नहीं है, दो ही साल हुए हैं, हम तो सारी चीजें कर रहे हैं, बिजली भी मुफ्त कर दी, इतने मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हैं, इलाज मुफ्त कर दिया, आपके बच्चों के लिए इतने शानदार स्कूल बन रहे हैं, कहां से आ रहा है पैसा? चोरी बंद हो गई, पहले सारा पैसा इनके घर जाता था, अब ये सारा पैसा आपके ऊपर लगता है। लेकिन आप देख रहे हो किस तरह से केंद्र सरकार तंग कर रही है, दिल्ली में कर रही है उसको तो मैं देख रहा हूं, लेकिन पंजाब के अंदर जिस तरह से अकेले मान साहब लड़ रहे हैं, बीजेपी से लड़ रहे हैं, केंद्र सरकार से लड़ रहे हैं, गवर्नर से लड़ रहे हैं, पंजाब के हक के 8,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार लेके बैठी है, पैसे रिलीज नहीं कर रही, उनके थोड़े हैं पैसे, पैसे तो पंजाब के लोगों के हैं, अगर आपके ये 8,000 करोड़ रुपए आ जाते पता नहीं और कितने स्कूल ऑफ एमिनेंस खुल जाते, पता नहीं और लाखों बच्चों को एडमिशन मिल जाता, और कितने मोहल्ला क्लिनिक, कितने अस्पताल, कितनी सड़कें बन जाती। रोज गवर्नर आप देख रहे हो कितना तंग कर रहा है, मान साहब को, हमारी सरकार को कितना तंग कर रहा है। आप लोगों से एक ही विनती है, जिस तरह से आप लोगों ने आशीर्वाद दिया था, 117 में से 92 सीट दी थी, अब ये इस चुनाव में भी आप 13 की 13 सीटें दे दो, अभी मान साहब अकेले लड़ रहे हैं, अगर ये 13 सीट जीत गए तो 13 हाथ हो जाएंगे मान साहब, जो दिल्ली में बैठ के केंद्र सरकार से आपके हक का पैसा छीन के लेके आया करेंगे, फिर अकेले नहीं लड़ना पड़ेगा भगवंत मान को, फिर ये 13 आपके हाथ होंगे, पंजाब के सिपाही 13 दिल्ली में बैठे होंगे, मजाल जो फिर केंद्र सरकार पंजाब के लोगों के साथ वो कर सके। आज बहुत अच्छा लगा आप लोग। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।